एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर्स एरिया। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर का प्रैक्टिकल। लास्ट वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं और क्या होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो आइए देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का प्रैक्टिकल, और बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन ले लिया, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। फिर हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करा ली और उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट करा। अब हम मेन फंक्शन में एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू हमने दे दी 60, और एक इंटीजर टाइप का बी वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी हमने दे दी वैल्यू 13। एग्जाम्पल हमने वीडियो में लास्ट में ये एग्जाम्पल लिए थे तो यही ले लेते हैं। अब एक इंटीजर सी टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये हमने तीन वेरिएबल ले लिए। अब हम लगा लेंगे अपना क्लियर स्क्रीन फंक्शन, जो पुराना डेटा होगा स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे, वो सब हट जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिटवाइज एंड, सबसे पहले बिटवाइज एंड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सी इक्वल्स टू, हमने सी में स्टोर कराया ए एंड बी, ये हो गया हमारा बिटवाइज एंड। इसमें हमने सी में स्टोर करा दिया ए एंड बी। अब हम प्रिंट कराते हैं सी को, प्रिंट है एक्सलेशन बिटवाइज एंड इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और यहाँ पे सी। तो अब इसमें क्या करेगा हमारा टर्बो सी का कंपाइलर, जो ए एंड बी है ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है एंड, तो ए को और बी को दोनों को अपना आप ही बाइनरी में कन्वर्ट करके उनका ए एंड बी निकाल के फिर उसको बाइनरी को जो आएगा बनके उसको फिर दोबारा से न्यूमेरिक या इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करके सी में स्टोर कर देगा। तो हमारा आना चाहिए, एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं 12। रन कराते हैं फंक्शन प्लस कंट्रोल प्लस F9 12, मतलब बिटवाइज एंड हमारा सही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवाइज और, तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस ए एंड की जगह हम और का सिंबल लगा लेंगे। ठीक है, अब हम प्रिंट करा देते हैं इसको भी, तो देखते हैं रन करा के फंक्शन प्लस कंट्रोल F9 61, मतलब हमारा बिटवाइज और भी सही काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज XOR, तो C इक्वल्स टू A B, ये हमारा हो गया बिटवाइज XOR। तो हमारा बिटवाइज XOR का आंसर आना चाहिए 49, क्योंकि इसकी बिट को कन्वर्ट करके और ये XOR फंक्शन निकालेगा तो इसका आंसर 49 आना चाहिए। देखते हैं 49। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, तो C इक्वल्स टू, अब वंस कॉम्प्लीमेंट हम सिंगल ऑपरेशन का निकालते हैं तो हम ए का निकाल देते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ए, और इसको हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए बिटवाइज वन। इसको आंसर देखते हैं, शायद से हमारी जो 60 की बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वैल्यू आती है वो आती है -61। तो देखते हैं -61, तो ये है हमारा बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, तो C इक्वल्स टू A, और हमने एग्जांपल में लिया था लास्ट वीडियो में A लेफ्ट शिफ्ट 2, तो करके देखते हैं A लेफ्ट शिफ्ट 2, उसको आंसर हमारा आया था 240। देखते हैं अब इसका आंसर हमारा क्या आता है, सॉरी
देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 240 मतलब हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट सही काम कर रहा है। एंड लास्ट है हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट। सी इक्वल्स टू लास्ट टाइम भी हमने यही लिया था, ए इज राइट शिफ्टेड बाय 2। तो अब हम प्रिंट कर देते हैं सी को लास्ट टाइम हमारा आंसर आया था 15। देखते हैं अब क्या आता है 15। तो ये हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स और सारे ऑपरेटर सही काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स मैं गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।